बार नाम लिया, 5 महीने की जेल बीत गई, तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने 7वीं बार केजरीवाल का नाम लिया, 7वीं बार नाम ले लिया। कब लिया? 16 जुलाई 2023 को। 16 जुलाई 2023 को जैसे ही उसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल को, 18 जुलाई 2023 को ईडी वालों ने कहा बेटा अब कोई दिक्कत नहीं, जमानत से छूटो घर जाओ। समझ गए मुकदमा। 10वीं का बच्चा पता लगा सकता है ना इस बात का कि फर्जी मुकदमा है। 16 जुलाई को जैसे ही नाम लिया, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। 10 बयान बाप बेटे ने दिया। मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी ने 10 बयान दिया। 10 बयान में बाप बेटे के अंतिम 2 बयानों को ईडी वालों ने कहा ये सही है, कोर्ट के सामने रख दिया। 8 बयानों को छिपा के रख लिया, बोले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, जिसमें केजरीवाल के ईमानदारी का सबूत है। वो कागज ईडी छुपाती है, भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश ये है साथियों। हमारे वकील गए न्यायालय के सामने, उन्होंने कहा हुजूर माई बाप हम आरोपी जरूर हैं लेकिन हमारे कागज छिपाए क्यों जा रहे हैं, हमें दिखाइए। तो कोर्ट ने कहा भाई आरोपी का अधिकार है, सारे साक्ष्य उनको दिखाओ। जब वो ईडी के दफ्तर वकील पहुंचे तो हैरान हो गए, होश उनके उड़ गए। उन्होंने देखा 8 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, सिर्फ 2 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और उसके आधार पर उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। शरद रेड्डी को ईडी ने कहा ये मुख्य घोटालेबाज है, किंग पिन है ये। 9 नवंबर 2022 को उसके घर में छापा पड़ा, 10 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 नवंबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक 12 बयान उसके लिए गए, 12 बयान। 10 बयान में उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अंतिम के 2 बयान में जब उसने केजरीवाल का नाम लिया तो ईडी वालों ने कहा बेटा आप तुम्हारी जमानत करा देंगे। उसने कहा कैसे होगी, बोले कह देना अदालत में कमर दर्द हो रही है जमानत हो जाए। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से बीमारी से ग्रसित है, इस पीड़ा की घड़ी में अपने पति का उनको इंतजार है, उनको जमानत नहीं मिलती, लेकिन कमर दर्द के नाम पर मुख्य घोटालेबाज किंग पिन को जमानत मिल जाती है। एक ईमानदार आदमी जिसकी बेगुनाही के सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, उसकी जमानत का विरोध करने के लिए ईडी एड़ी चोटी लगा देती है अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करने के लिए, लेकिन शरद रेड्डी को कमर दर्द के नाम पे जमानत मिल जाती है। मैं कह रही सैटरडे चलेगा ना, और वह शरद रेड्डी कौन है? अरे सैटरडे 10 नवंबर को गिरफ्तार हुआ, 15 नवंबर को भाजपाइयों को नजराना पेश की पहुंचा दी उसने। कितने की? पीछे तक बोलिए जिससे याद रहे, मीडिया वाले भी सुने। कितने की पेशगी पहुंची? जोर से बोलो, मीडिया वाले नहीं सुन रहे। 5 करोड़। बीजेपी चोर है।
5 करोड़ रुपए दिया और उस शरद रेड्डी ने गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी भाजपाइयों को, 55 करोड़ की। ईडी वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। सीबीआई वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। अरे शराब घोटाला तो खुल गया, तुम्हारे माई बाप भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला किया है, किया है कि नहीं किया बताओ, किया है कि नहीं किया, किया ना शराब घोटाला, शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब अगर आपको अपने पद की जरा सी भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कालर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो, शराब घोटाला उन्होंने किया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं आतिशी जी, शराब घोटाला, खुला हुआ शराब घोटाला, भाजपा के नाम का शराब घोटाला, उसमें एलजी साहब चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? मैं अपने सभी मंत्रियों से, विधायकों से अनुरोध करूंगा कि बीजेपी के शराब घोटाले पर जांच के लिए ये 55 करोड़ की मनी ट्रेल जो मिली है, इस पर बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की जाए, गिरफ्तारी की जाए। इसकी मांग देश की सरकार से, एलजी से, राष्ट्रपति से हम सबको मिलकर करनी चाहिए। गोपाल भाई गलत कह रहा हूं, बिल्कुल होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी करो, जेल में डालो। कहते हैं भाजपाइयों का तो हाल हो गया है, चोरी भी और सीना जोरी भी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं, जिन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया वो भाजपा वाले बोलते हैं, जिन्होंने नोटबंदी का घोटाला किया, जिसने हिंडनबर्ग के घोटाले को बचाने का काम किया, जिसने देश की सारी संपत्ति एक आदमी के नाम पर नीलाम कर दिया और देश भर के सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर माला पहना के पैर छूकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान की धरती पर भ्रष्टतम पार्टी अगर कोई है, सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। वो पीछे से कह रहे हैं बंगारू जनता पार्टी, याद हो गया, ताली बजाओ इनके लिए, इनको याद हो गया नाम जो मैंने पहले दिन बताया था, बंगारू जनता पार्टी। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष था बीजेपी का, रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने पकड़ा गया, 4 साल की सजा हुई थी, सजा सजा हुई थी। और इतने भोला बालक बन जाते हैं भाजपाई, कहते हैं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे जब एक ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, गवाह तुमने जबरदस्ती के बनाए, तो ये इस्तीफा इस्तीफा की नौटंकी मत करो। अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जिन्होंने IRS की नौकरी को लात मार कर देश सेवा का संकल्प लिया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने 13 दिन तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली की जनता को बिजली के मामले में राहत दिलाने के लिए 1-2 दिन का नहीं,
15 दिन का अनशन रखा। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने 10 दिन का अनशन इसी जंतर मंतर पे रखा। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए मुफ्त पानी का इंतजाम किया, मुफ्त बिजली का इंतजाम किया, मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया, मुफ्त स्वास्थ्य का इंतजाम किया, मुफ्त बस की यात्रा का इंतजाम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता का इंतजाम किया। अरविंद केजरीवाल का पूरा जीवन दिल्ली और देश वालों के लिए समर्पित है। और ऐसे आदमी को आप पकड़ के जेल में डाल दिए, अफसोस होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है कि आपने ऐसे शख्स को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं जेल से छूटने के बाद भाभी से मिलने गया था, पहली बार उनके आंख में आंसू दिखे। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, उस आंसू का बदला आपको लेना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों के बीच में जाओ, देश के लोगों के बीच में जाओ, उस आंसू का बदला आपको लेना है। ये 400 पार के नौटंकी के नारों के चक्कर में मत पड़ो, इसका कोई हकीकत नहीं है। मीडिया वाले कह रहे थे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। हमने कहा सिर्फ 400 पार का नारा क्यों नहीं 600 पार का नारा दिया। भाजपा वाले 600 पार का भी नारा दे सकते हैं। भाजपा वाला कह सकते हैं कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी, तो 700 पार का भी नारा दे सकते हैं। क्या नारा दिया था दिल्ली में गोपाल जी, याद है आपको? 45 पार। कितना नारा दिया था बीजेपी वालों ने? कितना दिया था? आई कितनी? चलो भाई ये सब नहीं बोलूंगा। ये कह रहे आई तड़ी पार, 8 सीट आई 8 सीट। बंगाल में कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? आई कितनी? 1/4। 50-55 सीट आई। हरियाणा में कितना नारा दिया था? 75 पार। आई कितनी? 40 सीट। मेघालय या मिजोरम कौन सा अभी मुझे चुनाव बता रहे थे, वहां नारा दिया था 21 पार, वहां आई 1 सीट। कितनी आई? 1 सीट। जब 21 पार का नारा देते हो आती है 21 1। जब 200 पार का नारा देते हो आती है 50। जब 45 पार का नारा देते हो आता है 8। तो जब 400 पार का नारा दे रहे हो तो आएगी 4। थोड़ा कम बोल रहे हो तुम लोग, 4 थोड़ा है। तोमर जी कह रहे 40 आए, 40 मान ले। चलो बहुत ताकत लगाएंगे, 100 आ जाएगी। इन जुमलों में मत फंसना, इन जुमलों के चक्कर में मत फंसना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाओ। और एक चीज बताओ, इतने दिन से मीडिया वाले पत्रकारिता का कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को इन्होंने देखा है। राम निवास गोयल जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता है, इन्होंने भी बहुत सारे नेताओं को देखा है। राम निवास जी जरा मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई नेता अगर 400 पार सीट का नारा देकर उसके मन में विश्वास है कि 400 सीट आएगी, तो कभी वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? कभी वो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करेगा क्या? कभी वो झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? भैया 400 पार का जिसका नारा होता है और उसको यकीन होता है कि हमारी सरकार बन रही है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। इसलिए मोदी जी हार रहे हैं और 2024 में वापस जा रहे हैं।
मोदी साहब को विदा करो, अरे मोदी साहब को विदा करो, अरे मोदी साहब को विदा करो, अरे महंगाई को विदा करो, अरे बेरोजगारी को विदा करो, अरे भ्रष्टाचार को विदा करो, अरे तानाशाही को विदा करो, अरे अत्याचार को विदा करो, अरे लूटखोरी को विदा करो, तानाशाही को विदा करो, हिटलर शाही को विदा करो, विदा।